गोरेला में मंगलवार को मुस्लिम विकास मंच ने तिरंगा स्थापना दिवस समारोह बनाया, जिसमें मंच के जिला अध्यक्ष असद सिद्दकी ने संबोधित किया। गोरेला के सामुदायिक भवन में मुस्लिम विकास मंच ने तिरंगा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें मंच के जिला अध्यक्ष असद सिद्दकी ने कहा कि देश की आजादी के लिए हर समाज हर वर्ग के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली। ये तिरंगा राष्ट्र प्रेम का प्रतीक चिन्ह है। हम तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने वतन पर मर मिटने को तैयार हैं। इस दौरान सिद्दकी ने मंच के सभी सदस्य को अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने की सलाह दी। एकता तार तार करने की बात हो रही है, संविधान को अलग करने की बात हो रही है, संविधान में बदलाव करने की बात हो रही है, उसको देखते हुए तिरंगा यात्रा जो एकता का प्रतीक है, इसको घर घर फहराने का अभियान चलाए हैं। और इस अभियान के माध्यम से हम ये संदेश देने में सफल होंगे, और ये संदेश भी देना है कि एकता में ही, आपसी भाईचारा में ही देश अखंड रहेगा, और इसके एकता में कहीं पास फर्क नहीं आने पाएगा। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला मुस्लिम विकास मंच इस प्रयास को अपने जिले भर में अभियान के रूप में चला रहा है, और आगे निरंतर एकता को लेकर के जो देश की एकता और अखंडता में कारगर सिद्ध होगा, वो हर राष्ट्रीय कार्यक्रम को हम आयोजित करते रहेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।